हरदोई के जीआईसी मैदान में डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को थाली और ताली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों ने 97,000 नए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। बीटीसी बीएड डीएलएड छात्र हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शिक्षक भर्ती चाहिए। पिछले 4 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे, कितनी कोचिंग करेंगे, कोचिंग कितनी करके हम रट लेंगे ये बताइए। कोचिंग में जो वही पढ़ा जाएगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। 97,000 पदों पे शिक्षा भर्ती निकाली जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के 97,000 पदों पर भर्ती को लेकर हरदोई जिले में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। इसमें शामिल अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। दरअसल बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक की भर्ती योगी सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। अभी तक इसमें आरक्षण में गड़बड़ी के साथ ही 22,000 अतिरिक्त पद जोड़ने को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। अब 97,000 अतिरिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। शुक्रवार को जीआईसी मैदान में भारी संख्या में अभ्यर्थी इकट्ठे हो गए। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता भी रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार 97,000 पदों के लिए नई भर्ती निकाले। हम लोग उत्तर प्रदेश से बीएड डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु हैं, जो कि टेट पास हैं, 21 लाख की संख्या में हैं। आज 7 जनवरी को हर जिले में 75 जिलों में आयोजन था, धरना था, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जाना था। इसी उद्देश्य से हम लोग यहां पर मौजूद थे। प्रशासन ने हम लोगों को रोका, नहीं जाने दिया, अन्य गतिविधियां हुई। इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि नगर मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देंगे, ताकि ये सरकार, ये जागरूक सरकार, तानाशाही सरकार हमारी बात को समझे कि यहाँ पर कितनी ज्यादा बेरोजगारी है। ये सरकार को समझना चाहिए कि यहाँ पर 21 लाख प्रशिक्षु है, जिसका हर एक घर में 5 सदस्य हैं। 1 करोड़ वोटर को सरकार नजरअंदाज कर रही है। हम 1 करोड़ वोटर जागे हुए हैं, हम मानसिक त्रासदी से गुजर रहे हैं। हमें किसी भी कीमत पर ये 17,000 का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें किसी भी कीमत पर 97,000 शिक्षक भर्ती से नीचे बात ही नहीं करनी है। अतः 97,000 शिक्षक भर्ती अतिशीघ्र चुनाव आचार संहिता से पहले जारी हो, विज्ञप्ति इससे पहले हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग की यही मांग है और हम लोग ये लेकर रहेंगे, ये हमारा अधिकार है। यहाँ पर धरना दे रहे बच्चों के द्वारा जो रिक्त शिक्षकों के पद के संबंध में दिया जा रहा है कि 97,000 वैकेंसी निकाल करके उनकी नियुक्ति की जाए, इसके संबंध में उन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसको अभी तत्काल जो है, जो कि संबोधित है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको तत्काल प्रेषित करा दिया जाएगा। थैंक यू।